यूपी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां इस बार सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, तो वहीं इसी के साथ बीजेपी ने भी 51 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। लेकिन बसपा और कांग्रेस की अब तक लिस्ट सामने नहीं आई है। बसपा की लिस्ट में देरी हो रही है, जबकि अमूमन लोकसभा चुनाव में बसपा सबसे पहले लिस्ट जारी करती थी। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बसपा के कई सांसद दूसरे दलों के साथ संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती नई रणनीति बनाने में जुटी हुई है। सूत्रों से खबर है कि मायावती अभी उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है और शायद 15 मार्च तक बसपा उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दे। आशंका है कि बसपा कांशीराम जयंती पर अपनी पहली सूची जारी कर सकती है, जिसमें आधी से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। बसपा के सूत्रों की माने तो पार्टी सुप्रीमो प्रत्याशियों के चयन को लेकर लगातार बैठक कर रही है। उन दावेदारों को बसपा तवज्जो देना चाहती है जिन्हें बीते चुनाव में तकरीबन 2 लाख से अधिक वोट मिले हैं, और जिन सीटों पर ऐसे प्रत्याशी बसपा को नहीं मिल रहे, उन सीटों पर बसपा अपने जोनल कोऑर्डिनेटर को टिकट देने की रणनीति बना रही है। खबरों के मुताबिक मायावती मौजूदा कई बसपा सांसदों से नाराज है, जिसके चलते इस बार मायावती की नजर दूसरी पार्टियों के बागियों पर है जिन्हें भाजपा या इंडिया गठबंधन से टिकट ना मिला हो। वहीं राजनीति विशेषज्ञों का कहना है कि मायावती तय नहीं कर पा रही है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। खैर जो भी हो, पर बसपा किस किस को मैदान में उतारती है, इस पर सभी सियासी दलों की नजरें टिकी हुई हैं।